ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप की काउबॉय फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस कॉन्सेप्ट को देख के आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कॉन्सेप्ट कितना हार्ड है, बट गाइस एक्चुअल में काफी ज्यादा हार्ड था ये कॉन्सेप्ट, बट तुम्हारे भाई ने इसको मतलब इजी स्टेप में आप सभी के लिए बना दिया है। आप लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको एकदम मतलब इजी से भी इजी स्टेप, जितना जो इजी होता है ना उससे भी ज्यादा मैंने इजी कर दिया ये। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको अपने मॉडल का फोटो शूट करो, मतलब फोटो को शूट करना पड़ेगा एंड इसके बाद बैकग्राउंड क्रिएट करके वहाँ पे इजीली आप एकदम मर्ज कर सकते हो। आपको मैं कैसे करना है वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पे बिल्कुल बने रहना। बाकी गाइस, अभी तक आप सभी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि यार आपके कमेंट पढ़ के यार मेरे को काफी अच्छा लगता है, यार काफी मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर करना। मैं लगभग सभी भाइयों को रिप्लाई कर ही देता हूँ कमेंट के, तो यार प्लीज यार कमेंट जरूर करना। एंड अगर गाइस आप में से किसी भाई को अगर अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कल इसके लिए एक नई वीडियो बनाई है जो कि मैंने अपने सेकंड चैनल पे डाला है। एंड गाइस, सेकंड चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो अगर आप में से कोई भी भाई अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके आप चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है गाइस, आप सभी को अपने मॉडल का जो गाइस इतने साइज में भी अगर आप फोटो क्लिक करवाना चाहो तो गाइस करवा सकते हो, क्योंकि गाइस जो मैंने बैकग्राउंड बनाया उसमें आप इजीली अपने मॉडल को ऐड कर पाओगे। तो गाइस, मैं इतने मॉडल का बैकग्राउंड मैं इसलिए इरेज कर रहा हूं ताकि यार आप सभी को भी मतलब एकदम पता चल जाए कि आपको कितना मॉडल चाहिए एंड कितना इरेज करना है। तो अब हम यहां पे गाइस इसको फटाफट से इरेज करते हैं। एंड गाइस, बाकी देखिए आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस, इसमें मैंने आप सभी के लिए मतलब कि जो काउबॉय का जो पैर है गाइस वो मैंने पहले से इसमें ऐड कर रखे हैं, बिकॉज दैट गाइस कि अगर आप लोगों का अगर कोई पोज अगर आप मतलब कि एक बार मतलब परफेक्ट आएगा नहीं, बट इसलिए मैंने आप सभी के लिए इसको ले लिया। मैंने मॉडल के यहाँ पे पैर लगा दिए हैं काउबॉय के, जिससे कि आपको गाइस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इसलिए ऐसे ऐड फोटो में जाकर आपको अपने मॉडल को ले लेना है, जैसे कि गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको सिंपली ज़्यादा क्या करना है, आपको अपनी फोटो कुछ स्टेप से ऐसे ओपेसिटी कम करना है एंड इसके बाद गाइस आपको सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका जो मॉडल है उसका पैर बस ये जो दूसरे जो मतलब उसमें पहले से फिक्स था जो बैकग्राउंड में उससे बस आपको मैच करना है, यानी कि मतलब कि उसके बराबर साइज में पहुंचा देना है, बस आपको इतना करना है। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे ही अगर आपको लगे कि हाँ ये बराबर में पहुंच चुका है, उसके बाद आप सभी को वहाँ पे उसको वहीं पे छोड़ देना है एंड उसके बाद यहाँ पे इरेजर टूल से जाकर उसको इरेज करना है। ठीक है, बट अभी हमारा यहाँ पे मैच हो चुका है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमें यहाँ पे इरेज करना है। तो बट हम इसे इरेज कैसे करेंगे वो मैं आप सभी को बताता हूँ। सो इतना हो जाने के बाद हम इसकी ओपेसिटी यहाँ पे फुल करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर देखते हैं एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, फिर यहाँ पे इसकी हार्डनेस को फुल करेंगे एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग रख लेना आप सभी को एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद गाइस यहाँ से आप सभी को इरेज करना स्टार्ट करना है। ठीक है, जो कि मतलब यहाँ पे ये जो हॉर्स का जो हेड है इसके आगे के यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से करना है गाइस, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आराम आराम से करना एंड अच्छे तरीके से, बाकी इतना करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करता हूँ ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। गाइस, तो यहाँ पे हमने देखिए गाइस एकदम परफेक्ट तरीके से अपने मॉडल को लगा दिया, उसके नीचे का एरिया भी इरेज कर दिया है। ठीक है गाइस, तो आप सभी को सेम इसी तरीके से अपने अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस आपको जाना है यहाँ पे दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइस जहाँ से हमें जो रोप की पिंजी इसमें लगाना है अपने मॉडल के हैंड में,
वो आप सभी को ले लेना है। तो आपको कैसे लगाना है गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले यहाँ पे गाइस आप सभी को दो तीन बारी ये रोप के पिंज लेना है, ज़्यादा ज़्यादा दो बार लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं दो बारी बस सिर्फ। तो पहले हम एक यहाँ पे लेते हैं छोटे वाला, छोटा रोप लेना पहले यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इरेज करेंगे, तो आप इरेजर टूल में जाएंगे, हार्डनेस को फुल करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम फोटो को जूम करेंगे, एंड जो साइज़ होगा आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। एंड उसके बाद हम फोटो को जूम करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ से हम इतना एरिया इरेज कर देंगे इसका, ठीक है। एंड उसके बाद जो नीचे का एरिया होगा उसको भी हम यहाँ से कुछ इस टाइप से इतना इरेज कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी कुछ इस टाइप से करना है। एंड हम बाकी का जो वेस्ट एरिया है इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, बस ध्यान देना कि कोई भी एरिया छूट ना जाए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम डन करते हैं अब इसको यहाँ पे डन कर लेंगे। एंड उसके बाद जो दोबारा हमें फिर से इसी पीएनजी को लेना है, तो यहाँ पे हम चलते हैं दोबारा ऐड फोटो में, एंड इस पीएनजी को वापस से ले लेते हैं। एंड गाइस इस पीएनजी का आपको कौन सा हिस्सा लगाना है, जो आपको सबसे नीचे का एरिया दिख रहा है ये वाला, आपको ये वाला एरिया लेना है। एंड इसके बाद आपको इसको कैसे ऐड करना है, आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसका साइज रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो ये साइज है इसका परफेक्ट नहीं है, तो अभी पहले हम इसको नहीं गाइस आपको थोड़ा सा इसका जो साइज इसको बड़ा करना है, जो रोप का पीएनजी देखिए गाइस ये जो आपके पूरे हैंड के ऊपर आना चाहिए, जैसे कि ऐसे जो कि हम इसका साइज है कुछ इस टाइप से ऐसे रखेंगे, ठीक है। यानी कि ये लगना चाहिए कि हाँ ये पकड़ रखा है हवा में रस्सी, ठीक है। तो इसको जिस टाइप से ऐसे रखना है, फिर जाना आपको दोबारा इरेजर टूल में, इरेजर पर क्लिक करना है, हार्डनेस को फुल करना है, साइज को अपने अकॉर्डिंग रखना है, फोटो को जूम करना है। एंड इसके बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, एकदम प्यार प्यार से अच्छे तरीके से ऐसे। एंड जो बाकी का जो नीचे का एरिया गाइस जो सेम वैसे इरेज करना है आप सभी को, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना, एंड यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इरेज हो गया, अब यहाँ पर परफेक्ट है। अब इसको हम यहाँ पर पूरा जो बाकी का वेस्ट एरिया है इसको हम इरेज कर लेंगे, ओके गाइस। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो रोप की पिंजी ये भी लग चुकी है, तो गाइस ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम परफेक्ट तरीके से एकदम बिल्कुल डन कर देंगे। एंड गाइस अब इसको हम थोड़ा सा सैचुरेशन मैनेज कर लेते हैं इसका, तो यहाँ से चलेंगे हम ऐसे टूल्स में, फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको सैचुरेशन वाला ऑप्शन में जाना है, इसका माइनस कर देना, सैचुरेशन -10 या 9 तक रख देना है, एंड इसको डन कर देना है। फिर उसके बाद आपको इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच का तो बिल्कुल अधूरी है हमारी फोटो। सो आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसका हाईलाइट होगा इसको आप सभी को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो शेडो होगा इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो वाइट होगा गाइस आपको इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जो ब्लैक होगा गाइस आपको इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसको चले जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन होगी आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो टेम्परेचर होगा उसको हल्का सा कम कर देना है, जाना मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना, सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड जो ल्यूमिनस होगा उसको बढ़ा देना है अपने फेस के अकॉर्डिंग, फिर जाना येलो कलर में इसका ह्यू माइनस कर देना आप सभी को, एंड जो सैचुरेशन होगा उसको प्लस कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद जाना आपको डार्क ब्लू में, अगर ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो आप उसका सैचुरेशन माइनस कर सकते हो, एंड उसके बाद ऊपर डन कर सकते हो। देन जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में वीकनेट होगा वो हल्का सा डाल देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड नीचे आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पे ये वाले शार्पनेस को बढ़ा देना है। एंड इसके बाद आपको नॉइज रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस ऐसा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।